उत्तर प्रदेश के देवरिया पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर उन्हें सलाखों के पीछे भेज दिया है। आपको बता दें कि पकड़े गए आरोपी बड़े ही शातिराना तरीके से आपराधिक वारदातों को अंजाम दिया करते थे। वहीं अगर पुलिस की माने तो आरोपियों ने लूट की कई वारदातों को कबूला है, साथ ही आरोपियों के पास से हथियार भी बरामद हुए हैं। ये आज सवेरे 7:30 बजे पुलिस जो है चेकिंग कर रही थी और SOG की टीम को भी एक विशेष अभियान में लगाया गया था। तभी सूचना मिली मुखबिर से कि कुछ बदमाश जो है इधर से निकल रहे हैं और उनकी चेकिंग कराई है। उसी चेकिंग में SO गौरी बाजार और SOG की टीम ने पूरा घेराबंदी करके 3 लोगों को पकड़ा है और उनके कब्जे से 3 तमंचे मिले हैं और 70,500 रुपये की नकदी बरामद हुई है। 3 से अलग अलग, किसी के पास 40,000 मिले हैं, किसी के पास 30,000 मिले हैं, किसी के पास 5,000 मिले हैं। तो जब उनसे कड़ाई से पूछताछ की गई तो उन्होंने अभी विगत 26 मई को जो गौरी बाजार में एक